एक्सपेंशन ऑफ द मेटल्स की, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ मेटल की, एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स। अभी एक्सपेंशन ऑफ मेटल है क्या, तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि क्या हो रहा है, कि ऑड से है ना, अब ऑड से तो ऑड्स क्या है, ऑड्स बोले तो क्या, ऑड्स बोले तो ऑड्स में मेटल तो है लेकिन किसे अलग के साथ कंपाउंड रेशियो में, मेटल है उसका क्वांटिटी लार्ज है लेकिन क्या है, कुछ अलग भी मेटल उसमें प्रेजेंट है। अब वहां से जो लार्ज क्वांटिटी वाला मेटल है उसे हम सेपरेट कर ले तो उसी को हम बोलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब यहाँ पे क्या है कि जो मेटल है हमारा सेटल, अब बेटा क्या है कि एक्सट्रैक्शन मतलब तो ये समझ में आ गया, जो ओर से जो कंपाउंड फॉर्म में से कंपाउंड में से मेटल अलग अलग है ना, यही है। अब क्या है, हमने पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज है ना, कि कुछ मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं, है ना। मतलब क्या है, कुछ जो मेटल है प्योर फॉर्म में ही मिलते हैं लेकिन कुछ मेटल क्या है हाईली रिएक्टिव है तो वो कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, है ना। कुछ ऑक्साइड बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं, सल्फाइड बनाते हैं, जैसा कि हमने ऑर्स में भी देखा था, है ना। अब क्या है, यहाँ पे जब कोई बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, कोई मॉडरेट है मतलब मीडियम है, ज्यादा रिएक्शन नहीं कर रहा है, और कोई तो बहुत ही कम लेस रिएक्टिव है ना, तो एक्सट्रैक्शन का जो मेथड होगा वो सबके लिए एक जैसा तो हो नहीं सकता है ना। जो हाईली रिएक्टिव है, जो मॉडरेट है, या जो फ्री स्टेट में ही मिल रहा है या लेस रिएक्टिव है, सबके लिए एक ही जैसा मेथड तो यूज किया नहीं जा सकता है, जो जैसा है उसके लिए वैसा मेथड यूज करना पड़ेगा। अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हमारे वहां क्या है, मेटल के अलग अलग टाइप है, मेटल के अलग अलग टाइप है, हाईली रिएक्टिव है, मीडियम है, लो रिएक्टिव है, उसके हिसाब से उनके ऑड्स है और ऑड्स से सेपरेशन के मेथड भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इनके रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी नेचर, जो एक्सट्रैक्शन मेथड है वो अलग अलग एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। देखिए यहाँ पे जो मेटल है, इनके जो एक्सट्रैक्शन है वो थ्री टाइप्स हम करते हैं, मीन्स थ्री प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन की। क्या है बेटा, थ्री प्रोसेस, थ्री स्टेप में एक्सट्रैक्शन, नॉट अ प्रोसेस, तीन स्टेप में हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, सेपरेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्स मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ और बोले तो अभी क्या है, जो और है, जो और है वो कहां से फाइंड आउट किए जा रहे हैं, मतलब कहां से हमें मिल रहे हैं, नेचर से, अर्थ से। अब अर्थ से मिलेंगे तो इसमें क्या होगा, अर्थी जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे सॉइल हुआ, सैंड्स हुए, अलग अलग मिनरल्स हुए, डस्ट हुए, वो हुए है ना, वो भी तो होंगे इसमें, क्योंकि हम माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई भी हम जब मेटल निकालते हैं, जब माइनिंग एक्टिविटी, कोई भी हम मेटल निकालते हैं वो कहां से निकाल रहे हैं, अर्थ से ही निकाल रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटी करके ही निकाल रहे हैं। अब माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं मतलब अर्थ से निकाल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, जब जमीन से वो मेटल निकाला जा रहा है या वो और निकाला जा रहा है तो वहां पे क्या होता होगा, उसमें मिट्टी भी आता होगा, कंकड़ पत्थर भी आता होगा, अलग अलग टाइप के मिनरल्स भी उसमें आते होंगे है ना। अरे सैंड फॉर्म में, स्टोन
स्टोन फॉर्म में दूसरे दूसरे टाइप के मिनरल में तो चिपक के आते होंगे. सो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल मतलब क्या है कि उन अर्थी पार्टिकल्स को जो आपका ऑर है उससे सेपरेट कर देना, है ना. जैसे आप लोग बोलते गैंग, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑर वाले जो स्टेट थे इसमें क्या होगा, सेपरेट द अर्थी पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर. मतलब आपका कंकड़ पत्थर मिट्टी सॉइल सैंड सबको किससे सेपरेट कर देना, और से सेपरेट कर देना. तो अब क्या बच जाएगा, वो सभी पार्टिकल जो सेपरेट हो गए, है ना. अब सिर्फ बचा क्या आपका प्योर फॉर्म में आपका और बचा. और में यही होगा कि एक जो आपका मेटल होगा वो हाई क्वांटिटी में होगा और जो दूसरा होगा कुछ लो क्वांटिटी में होगा. अब आपको सेपरेशन बस किसका करना बाकी रह गया है, जो आपका कंपाउंड है, कंपाउंड में से जो आपके दो अलग अलग मेटल या मेटल या नॉन मेटल है उसे सेपरेट करना बाकी रह गया है. ठीक है बात, ये समझ में आ रहा है. कंसेंट्रेशन ऑफ और बोले तो क्या, जो आपके अर्थी पार्टिकल्स है सेपरेट फ्रॉम द ऑर्स, है ना. तो यहाँ पर लिखा मेथड यूज फॉर रिमूविंग ऑफ द गैन टू ऑर, है ना. और इसे अर्थी पार्टिकल को गैन भी बोलता है. क्या आप लिखिए अर्थी पार्टिकल मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन of earthy particles और इसी को वो बोल रहे हैं क्या from to down to और ये first step में समझ में आ रहा है क्या करना है. मिट्टी से निकाला, माइनिंग की, तो उसमें जो भी गंगा चिपका हुआ, जो भी मिट्टी कंकड़ पत्थर चिपका हुआ उसे सेपरेट कर लेना, फर्स्ट स्टेप. ठीक है, बात समझ में आ रही है. एक्सट्रैक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है, उसे सेपरेट कर लो. किसे सेपरेट कर लो, तो अर्थी पार्टिकल को. सेकेंड स्टेप क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ कंसेंट्रेटेड और इनटू मेटल. कंजर्वेशन कंसर्वेशन ऑफ concentrated or into metals, metal बेटा. अब first step तो हमने देख लिया, first step में क्या हुआ कि जो और था उसने अर्थी पार्टिकल को सेपरेट कर लिया. अब हमारे पास बचा क्या, अब फाइनली हमारे पास और बचा हुआ है, है ना. वो फॉर्म बचा हुआ है जिसमें मेटल, मतलब जिसमें मेटल कंपाउंड फॉर्म में अवेलेबल है, है ना, जिसे आप लोग और बोल रहे हैं. अब सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ कंसेंट्रेटेड और इनटू मेटल. यहां पे देखिए कंसेंट्रेटेड और हमें मिल गया था, है ना. जब भी हमने अर्थी पार्टिकल को सेपरेट कर लिया, गैस को सेपरेट कर लिया, तो हमें क्या बच गया, बस और बच गया, है ना. और मतलब मेटल कंपाउंड फॉर्म में बच गया था, और इसी कंपाउंड फॉर्म को आप सेकेंड स्टेप में ले आए. देखिए कंसेंट्रेटेड और को क्या कर रहा है, मेटल में सेपरेट करने की प्रोसेस बता रहा है. फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि जो भी उसमें मिट्टी चिपकी हुई थी उसे सेपरेट कर लिया, हमारे पास मिला क्या, और सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, वो और से हम मेटल को सेपरेट कर ले रहे हैं, है ना. चलिए हम क्या बोल, सेपरेटिंग मेटल फ्रॉम द ऑर. और थर्ड स्टेप क्या बोला जा रहा है, रिफाइनिंग ऑफ द इम्प्योर मेटल. रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल. बेटा देख अभी क्या हुआ, हमारे पास तीन स्टेप हमें देखी. पहले में मिट्टी कंकड़ पत्थर अलग कर लिया, दूसरे में जो हमारे पास कंसेंट्रेटेड और है वहां से मेटल को सेपरेट कर लिया. ठीक है, तीसरे में क्या किया, अगर
अगर जो मेटल सेपरेट किया बाय डिफॉल्ट वो कुछ इम्प्योर फॉर्म में मिल गया तो उसे फिर से हमने रिफाइन किया और उसे प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट किया। तीनों स्टेप होती है, है ना, तीनों स्टेप होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ और कंजर्वेशन ऑफ कंसेंट्रेटेड और इनटू मेटल और रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल। अब क्या है, लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे मेटल जो होते हैं वो तीन टाइप के हैं, है ना, तीन टाइप के हैं, एक तो हाईली रिएक्टिव, एक तो मीडियम, एक तो लेस रिएक्टिव। अब क्या है, यहाँ पे बता रहा है कंजर्वेशन ऑफ कंसेंट्रेटेड और इनटू मेटल। अब जो मेटल है तीन नेचर के, कुछ तो हाईली रिएक्टिव है, कुछ तो मीडियम रिएक्टिव है और कुछ तो लेस रिएक्टिव है, है ना। तो इनका जो मेटल का कंसेंट्रेटेड और से मेटल सेपरेट करने का प्रोसेस होगा वो भी उनके नेचर के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें मेटल के नेचर के बेसिस पे तीन टाइप से हमें मेथड देखना है। फर्स्ट कैसा होगा, मेटल ऑफ हाईली रिएक्टिव, मेटल ऑफ हाईली रिएक्टिव, है ना। सेकेंड, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव, और लास्ट है मेटल ऑफ लो रिएक्टिव ऑफ लो रिएक्टिव। ठीक है बेटा, आप जब हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो ऑर है, उसमें कंपाउंड बना रहे हैं, उसमें अगर मान लीजिए ये क्लोराइड बना रहे हैं, ऑक्साइड्स बना रहे हैं, सल्फाइड्स बना रहे हैं, तो उसे कैसे सेपरेट करें, है ना। ये लेस वाले अगर कुछ ऐसा बना रहे हैं तो उन्हें कैसे सेपरेट करें, इसमें से भी अगर कुछ ऐसे फॉर्म में है तो उसे कैसे सेपरेट करें, मतलब पढ़ने वाला पोर्शन हमें यहीं पे मिलने वाला है ना। अरे रिएक्टिव है तो कुछ ना कुछ किसी से तो रिएक्शन करेंगे ही,